राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आज अपा मारवाड़ी स्टाइल रमायण साबुत मूंगरी सब्जी बनाने तैयार कर ला। उन वास्ते मैं एक कप मूंग लिया हूँ जिन्हें चार पांच बार साफ पानी धोने में 5 घंटा पहले भिगाने रख दिया तो मूंग अपन अच्छा भीगने तैयार हो गया है। अब मैं इनमें अपा 2 कप पानी डाल दे। एक कप मूंग लिया इन वास्ते अपा ने कुल मिला 3 कप पानी डालना है। 1 कप पानी डालने में भिगाने रख दिया, 2 कप पानी में और डाली। अब इनमें अपा 2 टमाटर डाल दिया, टमाटर लाल हिस्सा है वो इतना काटने डाला इनमें, और कचरा इनमान नहीं डालना अपन। आकार का टमाटर ना डाल दे वहाँ पर, दूसरा टमाटर भी अपन इतना काटने डाला। 2 में हरी मिर्ची ली हूँ, हरी मिर्ची ने भी अपन साबुती डाल दे वहाँ। 5 में लहसुन की कलियाँ ली हूँ, छोटे छोटे कलियाँ आई रास्ते में 5 ली हूँ, बड़ी कलियाँ हुआ तो आप लोग 2 कलियाँ डाल दीजिए। कच्चा लहसुन इनमान खुशबू बहुत अच्छी आवेला। 1 में तेज पत्ता लिया हूँ और तेज पत्ता भी मैं डाल दे वहाँ। न 2 में कांदा लिया हूँ, यह छोटी साइज का कांदा है तो यहाँ ने अपा 2-2 पार्ट में करना डाल दें। इन तरह ये सब चीज़ें अपा मूंग रसा तीज पका ले। अब इन मायने अपा 1/2 छोटा चम्मच हल्दी डाल दे। हल्दी रो कलर मूंग रे मायने बहुत अच्छा आ जाए वाला। अब 2 छोटा चम्मच वही तो नमक डाल दे। अब अपा ढक्कन लगाना इन्हें पकोन वास्ते रख दे। इन्हें अपा 5 सीटी तक पका वाला, 5 सीटी मायने अपा मूंग अच्छा पकने तैयार हो जाए वाला। अबे कुकर ही 5 सीटी आएगी है, 5 सीटी होने बाद में मैंने अपना गैस ने धीरे कर ले होना। धीरे करना है 2-3 मिनट तक और पका ले हुआ जिन मूंग अच्छा पक जाए वाला। 2-3 मिनट के बाद में मैंने अपना गैस बंद कर दे हुआ। ना कुकर ने अपना खोलना नहीं है, कुकर पूरी भाप ठंडी हो जाए उन बाद में मैंने खोलना है। अब कुकर ही पूरी भाप खत्म हो गई है, अब इन्हें खोलना पा देख लें। अब मूंग देखो आप पूरा बहुत ही अच्छी तरह पक गया है, थोड़ा सा आप इन तरह मैश करना देख लो, आराम में पूरा गल गया है, बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। इन तरह अपना मूंग सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अब इन्हें अपा एक बार मैश करता हुआ मिक्स कर ला। आप देख रहे हो कि इनमें अपा प्याज और टमाटर और लहसुन वगैरह डाले सब अच्छी तरह पक गया है, हल्का सा दबाव थे पूरा मैश हो गया है। एक तो अपा कच्चा प्याज डाला, एक पक्का ने प्याज डाला, उन्होंने दोनों फ्लेवर अलग अलग हो जा करे। तो एक बार आप इन तरह बनाना देख जो आपने बहुत ही अच्छा लगे ला। खुशबू तो इन टाइम इन्नी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब इन्हें अपा साइड में रखना और छौकनी तैयारी शुरू करा। अब सब्जी छौकने वास्ते मैं एक कढ़ाई ली हूँ जिनमें अपा 2 टेबल स्पून वजह तो तेल डालना। आप चाहो तो इन्हें घी में भी बना सको, घी में भी इन्हें स्वाद बहुत ही अच्छा लगे ला। अब अपना तेल गर्म हो गया है, इनमें अपा 2 छोटा चम्मच जीरो डालना। 2 मैं साबुत लौंग लिया हूँ, ये भी इनमें डालना। 1 टुकड़ा मैं दालचीनी लिया हूँ और भी इनमें डालना। दालचीनी खुशबू इनमें बहुत ही अच्छी आवेला। 1 मैं बड़ी इलायची ली हूँ, अब भी इनमें डालना। बड़ी इलायची रे मैं मुँह खोल दिया हूँ। 1 मैं हरी इलायची ली हूँ, इन्हों भी मैं मुंडो खोल दिया हूँ। 1 छोटा चम्मच मैं सौंप ली हूँ, सौंप ने इन मैं डाल दे। आँच ने इन टाइम अपना धीरे कर दे। 7-8 मैं काली मिर्चा ली हूँ, यह भी इन मैंने डाल दे। 2 मैं हरी मिर्ची ली हूँ, इधर मैं लंबी लंबी काट दी हूँ। 1 मिर्ची 2-2 पीस कर दिया हूँ और 1/2 इंच मैं अदरक का टुकड़ो लिए हूँ जिसको मैं लंबा लंबा लच्छा रमायने काट लिया हूँ। इन तरह बड़ा बड़ा कटियोड़ो वे अदरक तो खाउंड मायने बहुत ही अच्छा लग गया करे। और 8-10 कड़ी पत्ता लिया हूँ, यह भी इन मैंने डाल दा। ये सब चीज़ें अपने थोड़ी थोड़ी डालनी है पर इन सब फ्लेवर है इन मायने बहुत ही अच्छा आया करे। बस सब चीज़ें अपन अच्छी तरह पक गई है। अब इन मायने डालने वास्ते मैं एक बड़ी साइज का प्याज लिया हूँ। आप छोटी साइज का प्याज लेता हुआ तो 2 प्याज ले लीजिए। प्याज ने भी अपन मेन मेन काटने डालना है। अब इन प्याज ने अपना अच्छी तरह पका ले। कांदा ने अपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, कांदा का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। कांदा का कलर चेंज हो जाएगा तो इनमें थोड़ा कड़वापन आ जाएगा, तो कांदा का मिठास अपने बरकरार रहना चाहिए। अब इनमें अपा 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल दें, 1/4 छोटा चम्मच इनमें अपा हींग डाल दें। हींग भी इन्हें साथ साथ है बहुत ही अच्छी पक जाए। इन टाइम नमक आपने 1/2 छोटा चम्मच डालना है क्योंकि मूंग ने अपा पकाया उन टाइम 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल दी हो। आ चीज़ आपने याद रखनी है, नमक डालने से कोई प्याज और पानी छूटना शुरू हो जाए और प्याज जल्दी पक जाया करे और जल्दी से सॉफ्ट हो जाया करे। अब इनमें अपा 1/2 छोटा चम्मच वे जितनी लाल मिर्ची डाल दें। कश्मीरी लाल मिर्ची है, इन्हों का कलर अच्छा आया करे पर तीखी नहीं होया करे। 1/2 छोटा चम्मच वेजी थी हल्दी डाल दें, क्योंकि हल्दी अपा 1/2 छोटा चम्मच डाली यहाँ पहली इस वास्ते अपा बार भी 1/2 छोटा चम्मच ही डालना। 1 छोटा चम्मच इनमें अपा धाणा और पाउडर डाल दें, सब ने अच्छी तरह मिक्स कर लें। लाल मिर्ची आप स्वाद अनुसार आप कम ज़्यादा डाल सको, वह मसाला अपना अच्छा पक जाए। इस वास्ते अपा इनमें थोड़ा सा पानी डाल दें, थोड़ा पानी डाल डाला तो कई वेला कि मैंने मसाला जी का वह अपना अच्छा फूल जाए वाला, उन्होंने स्वाद है जी को सब्जी में अच्छा आ जाए।
कुल मिलान में आधा कप है जो तो पानी डाल दिया हूँ, इन्हें अच्छा पका ले वहाँ पर। अब इंटे पर आप आँच तेज कर सकें। अब मसाला अपना अच्छा पक गया है, इन मैंने पाकती देखो तेल भी छूट गया है, इन तरह अपना मसाला अच्छा पक जाना चाहिए। मसाला पूरा पकया पचा जी की पचूड़ी डाल है अपने ये उबालने रखी यहाँ पर डाल देंगे। आ दाल बहुत सिंपल तरीकों पर बनाई हाँ, पर खाउंडे मैंने बहुत ही स्वादिष्ट बनना तैयार वेला। आज दाल बहुत झड़ी है, अब इन मैंने अपना एक कप पेजी तो पानी डाल दे। अब इन्हें अपना दो तीन मिनट तक और पका ले वहाँ, जिन्हों कही है कि सब मूंगरे मायने अपन मसाला और टेस्ट जावला परो तो खाउंडे मायने और अच्छा लगेगा। अबे पाँच मिनट तक अपना और पका लिया हाँ, न देखो बहुत ही अच्छी पक गई है, देख रही हो आप, इन तरह अपन पकने तैयार हो जाए मसे जी। अगर जू जू ठंडी वाला का जो गाड़ी पड़ती जावेला तो उन टाइम चाहिए आप गर्म पानी घालना, इन्हें थोड़ा गिली भी कर सको, कंसिस्टेंसी आप हिसाब हो इन्हें कम बत्ती रख सको। अबे अपने साबुत मूंग दाल बनने तैयार हो गई है। भाई मैंने आप आधा छोटा चम्मच वैसे गर्म मसाला डाल दें, इन्हें थोड़ा सा अपा धाना घाल दें, पर हाल तक अपना है साबुत मूंगली दाल पूरी नहीं बनी है। अब इन्हें आप छोकरी तैयारी करा, भाई छोक लगाने वास्ते आप एक बर्तन लिया हाँ, गैस ने चालू कर दें। अब इन मैंने आप एक टेबल स्पून वैसे तो घी डाल दें, और आप घी रे मायने या बटर मायने छोक सको। साबुत मूंग दाल ना चाहिए आप तेल रे मायने बना लो, पर घी में और छोक लगा लो तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं पाँच सात लहसुन की कलियाँ लियो जिन्हें पतली पतली काट लियो इन तरह, ऐ इन मन बहुत अच्छी लगे ला। तो आप लहसुन की कलिया पतली काट में डाल दो, दिखने में भी अच्छी लगे, स्वाद भी बहुत अच्छा है। आँच इन टाइम अपना धीरे कर लिया उन्हें, जिन्हों कोई लहसुन अच्छा पक जाए ला। आधा छोटा चम्मच वैसे तो जीरो डाल दें इनमें, दे लहसुन रो हल्का सा कलर चेंज हो गया है, बस इतना कलर चेंज करना है। अब आप गैस बंद कर दें, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दें, जिन्हों की रंगत अच्छी आवेला इन्हें मिक्स करना है। आप दाल दे मैं डाल दें, इन्हीं साथ आप थोड़ा सा अदरक का लच्छा डाल दें, मैं एक कच्चा लच्छा वाला तो खाऊंडे मन बहुत अच्छा लगे ला। मैं थोड़ा सा हरा धाना इन बता बुरका दें, अपन दाल देखो बहुत ही स्वादिष्ट बनना तैयार हुई है। दिखने में आपने लाख तो वाला इतनी अच्छी दिख रही है तो खाऊंडे मन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आपने हमारी रेसिपी कड़ी लाग रही है नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताइजो। मिला सा बेरेड़ी दूजे वीडियो में इन्हें, जट तक राम राम सा।